जो बारिश है वो थोड़ा सा रुकी हुई है, तो बस मैं तुरंत निकल रही हूँ। जो दर्शन वगैरह है साई जी से बहुत अच्छे से हुई, पहले मुझे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या, से कैसे आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड अभी जस्ट मैंने एक व्लॉग एंड किया है जो कि आपने अभी तक देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए। एंड बस फिर इसके बाद में मैंने नहाया और थोड़ा सा मैं रेडी हो गई हूँ कि चलो अभी चलते हैं कहीं दर्शन करने। सबसे पहले तो मैंने सोचा है कि महाकाल की जो शिखर है मैं उसके पहले दर्शन करूँगी एंड फिर इसके बाद में बाकी की चीज़ें स्टार्ट करूँगी। तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँ, तो फिर चलो जितना पॉसिबल होगा वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में करूँगी। एंड पहले मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। सो या, ये मैंने बहुत ही सिंपल सा दिन के हिसाब से रखा हुआ है, सिंपल है। और क्योंकि ना आप अकेले ट्रेवल कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें तामझाम नहीं कर सकते हो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड जो कुछ होगा जैसे होगा, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मैं आपको भी लेकर के चल रही हूँ, तो फिर चलो चलते हैं। बाहर हो रही है हल्की हल्की सी बारिश, तो अभी थोड़ी देर रुकते हैं एंड जब बारिश बंद होगी तभी जा पाऊंगी। सो अभी बारिश थोड़ी सी रुकी हुई है तो बस मैं तुरंत निकल रही हूँ, क्योंकि ये कभी भी वापस आ जाएगी, तो यार जितनी चीजें हो सकती है उतना देख लूँ। तो फिर चलो चलते हैं एंड फिर मिलते हैं। एंड होटल से निकल के कुछ दूर चल के फिर मैंने किया रिक्शा। एक्चुअली जो मेरा होटल है वो थोड़ा सा अंदर था, मुझे पहले बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था और सावन की वजह से ना बहुत सारे ऑप्शंस भी नहीं थे। सो जो मुझे ठीक लगा, वैसे होटल काफ़ी अच्छा था और अगर आपको रिक्शा वगैरह मिल जाता है ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। एंड ना यहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ तो यहाँ पर अंदर रिक्शा वगैरह अलाउड नहीं है, यहाँ पर आपको सारे लोग पैदल ही दिखेंगे। सो मैं रिक्शे से उतर गई थी और फिर इसके बाद में इस तरीके से पैदल जा रही थी। और सुबह भाई इतना अच्छा माहौल होता है ना, इतने सारे लोग होते हैं, हर कोई ओम नमः शिवाय हर हर महादेव इस तरीके से करते हुए जा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ना आपको कितना भी चलना हो बिल्कुल भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा चल के आए हो। और ये लोग पहले दर्शन करो महाकाल के शिखर के, ऐसे बोलते हैं कि बिना इनके दर्शन के यहाँ पे जो कोई भी काम होता है वो शुरू नहीं होता है। एंड यहाँ से तुरंत पास में ही ये बड़े गणेश जी का मंदिर है, तो फिर मैंने जा कर के वहाँ दर्शन किए। और अभी मैं जा रही हूँ विक्रमादित्य के टीले में। ये सारी ना आपको आसपास ही चीज़ें मिल जाएंगी। तो पहले मैंने महाकाल के जो शिखर है उसके दर्शन किए एंड फिर इसके बाद मैं बड़ा गणेश जी के मंदिर गई एंड फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे आ गई हूँ जो टीला है विक्रमादित्य का। एंड यहाँ से ये जो महाकाल लोक है ये दिख रहा है, जो कि रात में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। एंड मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा सकूँ। और फिर चलो अभी चलते हैं यहाँ पर। एंड हर जगह ही, एक तो सावन चल रहा है और ऊपर से वीकेंड था तो इतनी भीड़ थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड ये शिवलिंग है, ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ पे जो जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मैंने भी चढ़ाया हुआ था लेकिन एक्चुअली मैं खुद से ही अकेले हूँ तो मैं व्लॉगिंग भी कर रही थी वो सारी चीज़ें, तो हर चीज़ कैप्चर करना नहीं पॉसिबल था। सो पहले मैंने अच्छी तरीके से जल वगैरह चढ़ा लिया था और फिर इसके बाद में जो भी मैंने व्लॉगिंग की वो की। मैंने कोशिश की है कि मैं जहाँ जहाँ पे जाऊँ सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर कर सकूँ। फिर वहाँ से निकलने के बाद में अब हम जाएंगे बाहर की तरफ, मतलब सिटी से जो थोड़ा सा दूर, मतलब बाहर हैं वहाँ पर। एक्चुअली ना ये वाले अंकल को मैंने बुक कर लिया था कि हम ना पूरा, वो बोल रहे थे कि आप ना मेरे साथ में चलो तो मैं आपको पूरा जो बाहर की चीज़ें हैं वो मैं आपको आज दिखा दूँगा। तो बस उनके साथ ही मैं निकल चुकी हूँ। एंड सबसे पहले मैं गई थी जो भट्टरी गुफा है वहाँ पे। तो जैसे आपको देख रहा ना ये सिटी के बाहर थोड़ा सा था तो मैं वहाँ गई
और लेकिन ना भीड़ हर जगह थी, कहीं भी ऐसा नहीं था कि आपको भीड़ ना मिले। और ये ना अभी तो गुफा जैसी नहीं लग रही है, लेकिन अंदर जाकर के गुफा, गुफा के अंदर गुफा और उसके भी अंदर गुफा, तो जिसको बीपी वगैरह का प्रॉब्लम हो ना, मैं उसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि वो यहाँ पर जाए, क्योंकि अंदर थोड़ी सी दिक्कत होती है और ना भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो लोग देख रहे हो आप ना, ये सारी जो लाइन है ना वो अंदर जाने के लिए ही लगी है। सो बहुत सारी भीड़ थी, अच्छा लगता है लेकिन वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और वहाँ पे क्लियर लिखा है कि फ़ोटो खींचना मना है, तो फिर उसके बाद में मैंने अपना कैमरा था वो बंद कर दिया था, और बाहर आने के बाद में मैंने शूट किया। एंड वहाँ से निकलने के बाद में फिर मैं गई ये गढ़ कालिका माता के मंदिर, जो कि बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन यहाँ पर इतनी भीड़ है और ना हर जगह अंदर क्लियर आपको लिखा होता है कि आप फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते हो, एंड वो मना भी करने लगते हैं। और इतनी भीड़ थी ना कि एक्चुअली मैंने यहाँ पे प्रसाद वगैरह और जो श्रृंगार है वो भी चढ़ाया था, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारा टाइम लगा था। ये जो आप भीड़ देख रहे हो ना, वो सारा लाइन पे लग के फिर मैं अंदर गई और फिर उसके बाद में प्रसाद वगैरह चढ़ाया, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था। और इसके बाद में लगी थी मुझे ज़ोरों से भूख, तो यहाँ बाहर ही ठेली वाला था और मुझे ना ये इस तरीके से खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैंने ये बर्गर लिया हुआ था, पता नहीं वो बीच से कट करके ही देते हैं, लेकिन ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सो वो खाया, एंड इसके बाद में अभी चलते हैं आगे, एंड हम जा रहे हैं पार्वती माता के मंदिर। यहाँ पे ना पूजा भी लोग करवा रहे थे, किस चीज़ की पूजा है उसका मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ किसी से नहीं पूछी थी कि क्या किस तरीके से है, एंड मैंने कोई भी ऐसे टूरिस्ट गाइड ये भी नहीं किया हुआ था। सो चलो, ये है सिद्धवट माँ पार्वती माता का मंदिर। एंड ना सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं जहाँ जहाँ पर भी गई ना, मेरे जो सारे दर्शन हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो गए। तो बस वही मेन होता है ना कि आपके दर्शन सारे हैं ना वो अच्छी तरीके से होने चाहिए, और हर एक मंदिर का जो व्यू है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब यहाँ पे ना आपको इतना सुकून मिलेगा कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि हाँ क्या किस तरीके से था। आप बैठ जाओ ना तो आपको कब टाइम निकल जाता है ना वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इस मंदिर में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि यहाँ पे लोग पूजा करा रहे थे तो वो साइड में थे, एंड बाकी आप इजीली दर्शन कर सकते हो। सो मैंने दर्शन भी किए, ये मेन है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सो इस तरीके से इजीली जो दर्शन है वो मेरे हो गए थे, एंड फिर इसके बाद में जो मैंने बाहर का व्यू है वो लिया हुआ था। एंड ना मुझे उज्जैन की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना वो ये, आपको ना हर दो दो मिनट में इस तरीके से ऐसे शिवलिंग दिख जाएंगे। मतलब वो इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून देता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड यहाँ पर ही वो पूजा हो रही है जिसकी मैं बात कर रही थी, सो ये हो रही थी। फिर इसके बाद में निकलने के बाद मैंने यहाँ पे पिया था नींबू सोडा वाटर, एंड अगेन ये देखो ये भी एक छोटे से शिवलिंग है। सो इस तरीके से आपको ना हर जगह पे ही मिल जाएंगे। सो यहाँ से निकलने के बाद में अभी मैं जाऊँगी आगे। सो अब मैं जा रही हूँ मंगलनाथ के मंदिर। सो ये वो मंदिर है, एंड यहाँ पर बहुत भीड़ थी। मतलब अब तक मैं जितने चीज़ें घूम के आई हूँ ना, सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो मुझे यहाँ पर मिली थी। एक्चुअली यहाँ पे शायद से वो जो मांगलिक कुछ तो पूजा हो रही थी, मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन पूजा भी साइड में हो रही थी, लेकिन यहाँ दर्शन करने की भी ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब ये मंदिर बहुत बड़ा था, तो आपको बाहर जो खुला एरिया है ना वहाँ पे भीड़ नहीं दिख रही थी, लेकिन ऊपर एकदम यहाँ से ना वहाँ जाना होता है तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। एंड यहाँ पे मुझे एक डेढ़ घंटे से वो भी ऊपर का जो टाइम है वो लगा था। एंड बाहर आने के बाद में देखो प्यारी प्यारी सी आर्टिफिशियल सी ज्वेलरी जो कि मैंने ली हुई थी थोड़ी बहुत सी। एंड अभी चलते हैं आगे। सो फाइनली जो हमारे आज के ऑलमोस्ट सारे दर्शन हैं वो हो चुके हैं, एंड अभी मैं जा रही हूँ संदीपनी आश्रम, और फिर उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो चलो अभी चलते हैं पहले संदीपनी आश्रम। दर्शन का सिलसिला मेरा पूरा दिन इसी तरीके से चलने वाला है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ महर्षि सांदीपनी आश्रम में, एंड अगेन यहाँ पर भी हर जगह की तरह बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और भाई सावन है तो भीड़ तो होनी ही है। सो मुझे बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ी थी जो कृष्ण जी हैं एंड सुदामा जी की पाठशाला में जाने के लिए। एंड ये जो एक मंदिर है, बोलते हैं ना यहाँ पे आपको ना खड़े हुए नंदी जी के दर्शन होते हैं, बाकी सब मंदिर में क्या आपको नंदी जी हमेशा आपको बैठे हुए दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उनके खड़े हुए दर्शन होते हैं। सो उसके लिए भी बहुत लंबी लाइन थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एंड अंदर का कुछ भी अगेन मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि हर जगह मना था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये बाहर की हैं। सो ये है बहुत बहुत ही प्यारा सा संदीपनी आश्रम,
एंड मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ का ना एटमॉस्फेयर भाई इतना पीसफुल है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मतलब आप ना यहाँ पे घंटों बैठ सकते हो। मैं यहाँ पे एक घंटे के अराउंड बैठी थी और मुझे सच में पता भी नहीं चला कि कब टाइम निकल गया। और अंदर भी इतना अच्छा फीलिंग आ रही थी ना कि सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जा रही कि हाँ यहाँ ये होता है, वहाँ वो होता था। तो जैसे आपको फिल्म चलती है ना दिमाग में, पर्सनली मेरे साथ में तो यही हो रहा था। और फिर इसके बाद में मैं बाहर निकली, मैंने गोलगप्पे खाए, टिक्की खाई, भूख बहुत ज़्यादा तेज़ से लगी थी। एंड ना फिर मुझे ये गन्ने का जूस दिख गया तो मैंने वो भी लिया। और लास्ट में मैंने लिए वेजिटेबल मैगी, और जिनको लेकर के मैं ऑटो में बैठ गई थी। और फिर मैं खाते खाते अभी मैं जाऊंगी होटल में। और यहाँ सिटी में तो इतनी भाई भीड़ होती है और ये ऑटो वाले अंकल लोग को ना सारी चीज़ें पता होती हैं, तो किसी भी तरीके से इन्होंने घुमा फिरा के मुझे अपने होटल पहुँचा दिया। सो अभी मैं दर्शन वगैरह करके आ गई हूँ रूम में। और टाइम इस टाइम 1 सेकेंड, अभी 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। और अब मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं कल 12 बजे से चली हूँ और तब से इसी तरीके से हो रहा है, मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया है। सो अभी मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर और फिर शाम को देखते हैं कि क्या होता है। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था, मतलब जो दर्शन वगैरह हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। पहले मुझे लग रहा था कि यार मैं अकेली हूँ कैसे जाऊँ, बट सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से हुई एंड खूब अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया। सो अभी शाम को कहीं तो जाऊंगी क्योंकि अभी 1-2 घंटे आराम कर लूंगी, उसके बाद में अभी थोड़ी सी थकान हो रही है, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड इस वाले रूम को भी मैंने सोचा था कि मैं इसको एक्सटेंड करा लूंगी बिकॉज कि जो मेरी ट्रेन है वो कल रात की है एंड ये रूम सुबह तक का ही है। सो वो यहाँ पे नहीं हो रहा है तो अभी मुझे उसका भी कुछ देखना पड़ेगा। अगर यहाँ होता है तो मैं यहाँ कराऊंगी, अदरवाइज़ कहीं और लेना पड़ेगा मुझे। सो जो होगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वाले व्लॉग वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ एंड शायद से शाम से मैं नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी जब मैं जाऊँगी, एंड या फिर मैं कल से स्टार्ट करूँगी, वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वाले व्लॉग वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर थोड़ा सा पसंद आया जैसे लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।